उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि नगर निकाय चुनाव का आरक्षण 762 नगर निकायों में से 760 नगर निकायों में चुनाव होगा। 17 मेयर, 199 नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण घोषित। 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण घोषित किया गया है। नगर निगम, पालिका परिषद और पंचायतों के 13,965 वार्डो का भी आरक्षण जारी हुआ। बता दें कि नई प्रक्रिया में ओबीसी के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 760 नगरीय निकाय में पहले 205 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, इस बार भी 205 सीटें ओबीसी के लिए सुरक्षित की गई हैं। नई आरक्षण सूची में एससी एसटी और महिला आरक्षण को पहले की तुलना में फायदा मिला है। अनुसूचित जाति की 8 और अनुसूचित जनजाति 1 सीट बढ़ी है। बता दें कि एससी समुदाय के लिए पहले 102 सीटें आरक्षित थी, जबकि इस बार उनके लिए 110 सीटें आरक्षित हो गई हैं। इसी तरह एसटी की पहले 1 सीट आरक्षित होती थी, जो कि अब 2 सीटें आरक्षित हो गई हैं। महिलाओं के लिए पहले 255 सीटें थी, जो बढ़कर अब 288 हो गई हैं। इसी तरह से महिलाओं के लिए 33 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए पहले महिलाओं के लिए 182 सीटें थी, जो अब बढ़कर 209 सीटें हो गई हैं। इस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष की 67 से बढ़कर 73 हो गई हैं। नगर निगम की कुल 17 मेयर सीट में से 8 सामान्य वर्ग, 3 महिला, 2 महिला ओबीसी, 2 पिछड़ा वर्ग, 1 एससी और 1 एससी और 1 एससी महिला के लिए आरक्षित की गई है। बता दें कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा की मेयर सीट अनारक्षित है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद मेयर सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की मेयर सीट पिछड़ा वर्ग महिला, तो सहारनपुर और मेरठ मेयर सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। झांसी मेयर सीट एससी और आगरा मेयर सीट एससी महिला के लिए आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए आरक्षण से जिस तरह नगर निगम की मेयर की 17 सीटों में से 11 सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गई है, उसी तरह से नगर पालिका के अध्यक्ष पद की 100 और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की 269 सीटों पर आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो गया है। ओबीसी के जो हमारा पहला दिसंबर का जो हमारा नोटिफिकेशन था, उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की हमारी कानूनी व्यवस्था है, उस प्रकार 205 सीटों पर आरक्षण कुल सभी मिला करके 760 सीटों में से 205 सीटों पर हमने आरक्षण दिया था। और अभी का जो आज का नोटिफिकेशन है, उसमें भी वही 205 उतनी ही संख्या में 205 सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। उसमें न कोई कमी हुई है, न कोई बढ़ोतरी हुई है, कंप्लीट 27% रिजर्वेशन देने के दिया गया है। महिलाओं की जो सीटें पहले थीं, वो 255 आरक्षित ओबीसी का वोमन और जनरल वोमन मिला करके 255 सीटों पे महिलाओं का आरक्षण था, उसमें अच्छी खासी वृद्धि के साथ अब 288 सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो इस तरह से एक तरह से जेंडर जस्टिस की तरफ हम और बेहतरी से हम बढ़ रहे हैं। एससी में की सीटों में भी पहले 102 सीटें उनके लिए आरक्षित थी कुल सीटें, अब 110 सीटें हुई हैं, यानी कि 8 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार ओबीसी की 205 सीटें पहले जितनी संख्या थी उतनी ही रहती हैं, महिलाओं की सीटों में 33 की वृद्धि हुई है, अनुसूचित जनजाति की सीट में 1 की वृद्धि हुई है, पहले 1 थी अब 2 हो गई है। बता दें कि 2017 में हुए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार निकाय की सीमा में करीब 70 लाख अधिक आबादी शामिल हो गई है। 2017 में निकाय क्षेत्रों की आबादी 4.16 करोड़ थी, जो कि इस बार 4.85 करोड़ हो गई है। इसकी वजह 10 नगर निगमों समेत कुल 130 नगर निकायों का सीमा विस्तार और 111 नई नगर पंचायतों का गठन किया जाना है। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।